भाई सारा सामान पैक कर दिया है, अब बाइक पे देख सकते हो अभी वापस जा रहे हैं। लो भाई निशांत भाई की बाइक निकल गई है, अब नंबर अपनी बाइक का तो देखते हैं कैसे निकलती है। ये भाई निकालेंगे अभी भाई। ओहो नहीं नहीं कोई नहीं, गिर भी गई तो कोई दिक्कत नहीं है। लो भाई चलो बैठो, चलो ये अरे बस काका, वाह 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 वाह, कोई नहीं कोई नहीं कोई नहीं हो जाएगा। कोई नहीं कोई नहीं कोई नहीं होता है, कोई नहीं। स्टार्ट कर लो, स्टार्ट कल्ट बीच के, कल्ट बीच के, कल्ट बीचो, हाँ करो, नहीं हो रही, कल्ट बीचो आप करो, स्टैंड लगा हुआ क्या, देखिए अभी करना, रुक जाओ, न्यूट्रल की जरूरत नहीं है, करना आराम से जाना, अब ज्यादा दूर मत जाना। चलो चलो चलो, वैसे ही ले लो, एक मिनट रुको, उतरो उतरो, लाम चलाता हूँ, उतरो ऐसे ले लेते भैया, रुको रुको, चलो तो धक्का लगाओ, नहीं नहीं यहीं पे खड़ी कर दो ना, आराम से, ज्यादा तेज मत चलाना। अरे गियर बड़ा लगा रखा होगा, छोटा गियर लगाओ, बिल्कुल छोटा, नहीं नीचे, आगे 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 दबाओ, आगे आगे दबाओ, आगे, अरे भाई आगे दबाओ, आगे दबाओ, आगे सबसे छोटा लगेगा, हैं? इतनी रेस मत दे स्टार्टिंग में, ज्यादा रेस मत दे, भाई 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 भाई, रहने दो रहने दो, पुत्रों में तो चलाता हूँ, गियर इतना बड़ा लगा रखा यार, नहीं है, हाँ गियर नहीं है, रेत के लिए इतना दबा, हाँ नंबर दिया हरीश यार, कितना बड़ा गियर लगा रखा है, अरे एक कितना गियर लगाया, रहने दो रहने दो रहने दो, हो जाएगा नंबर, आराम से हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, एक मिनट एक मिनट, धन्यवाद जी, आगे मिलेंगे कभी, हाँ जी जरूर मिलेंगे, ओके ओके जी, ओके जी, बाय बाय। लो भाई 11:40 हुई है और फाइनली हम रोड पर आ गए हैं, ये रोड है जो ये समका और जैसलमेर का रोड है, मेन हाईवे यही है, तो यहाँ से जा रहे हैं, यहाँ से बात करें तो जैसलमेर की मुश्किल से 38-40 किलोमीटर दूर है, तो एक बार पेट्रोल पंप पे रुकते हैं, पेट्रोल फिलअप कराते हैं, वैसे तो कल 500 का डलवा दिया था मेरे में, मुश्किल से 200 रुपये और आएगा, लेकिन एक बार पेट्रोल पे फिलअप करा लेते हैं, फ्रेश हो लेते हैं, मुंह धुल लेते हैं क्योंकि वहाँ पे पानी की बहुत कमी थी, और उसके बाद अपनी राइड को कंटिन्यू करते हैं। दोपहर के 1 का टाइम हुआ है, अभी हम यहाँ से निकल रहे हैं, अभी हम थे सम सैंड डेजर्ट पे, और यहाँ से अभी हम जा रहे हैं जोधपुर वाया जैसलमेर, तो वैसे तो सुबह 7 के आसपास उठ गए थे, उसके बाद हमने कैंपिंग की हुई थी, अगर आपने कैंपिंग नहीं देखी तो आप लास्ट वीडियो में देख सकते हो, भाई साहब एक नंबर की ज़बरदस्त कैंपिंग की थी और डेजर्ट में कैंपिंग की थी, तो सुबह उसमें थोड़ा सा टाइमिंग लग गया क्योंकि ब्रेकफास्ट भी बनाया था, वो करने के बाद अभी वहाँ से बाहर ही निकल लेते, मेन हाईवे पर एक ढाबा था जहाँ पर हमने चाय पी है और फ्रेश हो लिए, और अभी अपनी राइड स्टार्ट कर दिया है, आज का अपना जो डेस्टिनेशन है वो है जोधपुर, देखते हैं कितने बजे तक पहुँच पाएंगे, गूगल महाराज 300 किलोमीटर बता रहे हैं और 5 घंटे का रास्ता बता रहे हैं,
लेकिन बीच में चाय पीने के लिए या लंच करने के लिए अगर रुक जाएंगे तो लगभग 7 बज जाएंगे। बाकी देखते हैं। लो जी, स्वर्ण नगरी आगमन पर आपका हार्दिक स्वागत है। जैसलमेर वापस से जैसलमेर में इंटर कर रहे हैं। यहाँ से हम मुश्किल से 7-8 किलोमीटर है, तो 5 से 10 मिनट में हम जैसलमेर में इंटर कर जाएंगे। लेकिन रुकेंगे नहीं, क्योंकि जैसलमेर हम पहले घूम चुके हैं। अगर आपने पिछली वीडियो नहीं देखी तो उसमें देखो। नहीं यार, पिछली तो कैंपिंग की, उससे पिछली देखना, उसमें तनोट माता मंदिर घूमे, उससे पिछली वाली में हमने जैसलमेर को एक्सप्लोर किया है, देख सकते हैं आप। अभी सिर्फ जैसलमेर में इंटर करेंगे, क्रॉस करेंगे और जोधपुर की तरफ जाएंगे। लो जी, फाइनली आ गए हैं जैसलमेर में और कुछ ही मिनटों में जैसलमेर को क्रॉस भी कर लेंगे। लो जी, बाड़मेर के लिए राइट, जोधपुर के लिए सीधा। जोधपुर पड़ेगा यहाँ से 286 किलोमीटर। फाइनली बाहर आ गए हैं भाई जैसलमेर से। लो जी, सुबह से 60 किलोमीटर आ चुके हैं, तो जैसलमेर से निकलने के बाद देखिए रेस्टोरेंट दिख रहा, तो सोचा कुछ खा लेते हैं हल्का फुल्का, क्योंकि अभी लगभग 250 किलोमीटर से ज़्यादा चलना है। लो भाई, तो अपना खाना आ गया है, चलो खाना खाते हैं। यहाँ पे लगाओ, तो अभी प्लान हमारा कुछ ऐसा है कि यहाँ से खाना वाना खा के हम लोग पहुँचेंगे शाम तक जोधपुर। A few moments later. लो जी, अभी यहाँ पे खाना खा लिया है सम्राट रेस्टोरेंट, जिसमें दाल थी, फ्राई आलू थे, उसके बाद रोटी थी और दूध था भाई, मज़ा आ गया। लेकिन दूध थोड़ा सा महंगा लगा दिया, बाकी सारी चीज़ ठीक थी। 90 रुपये की दाल थी, 90 रुपये के आलू थे, 12 रुपये की एक रोटी थी, लेकिन जो उन्होंने दूध लगाया ना, वो लगाया 40 रुपये की थैली, ना कोई गरम ना कुछ नहीं, डायरेक्ट थैली दी थी। और उस पर जो MRP था ना, वो खाली मात्र 27 रुपये था। 4-5 रुपये हो जाता है, लेकिन 12-13 रुपये महंगा लगाया। और फिर मैंने पूछा ना, मैं यार बहुत ज़्यादा दे रहे हो, बोला हम तो इतना ही देते हैं। चलो कोई नहीं, खाना खा लिया है, बढ़िया रोटी थी, बढ़िया सब्जी थी, दाल बहुत अच्छी थी भाई, और फिर ऊपर से दूध पी लिया ना, तो बस मज़ा ही आ गया यार। अभी फुल है शाम तक, यहाँ से लगभग 250 किलोमीटर रहता है जोधपुर, तो मैं भी अभी चाय पीने के लिए रुक सकते हैं, नहीं तो डायरेक्ट जोधपुर में ही मिलते हैं शाम को। टाइम की बात करें तो 2:30 हो चुके हैं। 1 hour later. लो जी, अभी पहुँच चुके हैं पोकरण, और यहाँ से अभी जा रहे हैं हम जोधपुर, जो कि 175 किलोमीटर रहता है, और बालेश्वर रहता है 107, तो वाया बालेश्वर जाएंगे हम। अभी हमें पेट्रोल पम्प की ज़रूरत है, क्योंकि हमारी बाइक में पेट्रोल ख़त्म हो गया है, एक डंडा है। देखते हैं जहाँ पर भी मिलता है बाइक, पेट्रोल डलवाना पड़ेगा। लो भाई, पेट्रोल डलवाना बहुत ज़रूरी हो गया है, क्योंकि एक डंडा है, और भी हाईवे पे पता नहीं चलता कहाँ पे क्या मिले, तो जल्दी से डलवाते हैं पेट्रोल। पेट्रोल पंप पे मिल गया है HP का। लो जी, फुल कर दो, 109.90 रुपये। लो भाई, पेट्रोल डलवा लिया है, 1100 रुपये का आया दोनों बाइकों में, 1100 का इसमें, 1100 का मेरी में। और अभी यहाँ से जोधपुर रहता है यार, अभी भी 160-170 किलोमीटर रहता है, तो यहाँ पे लगभग हम आधा घंटा के आसपास रुके पेट्रोल डलवाने के बाद, थोड़ी देर रेस्ट कर लिया और एक एक रील्स अपलोड की थी। अभी दोबारा से राइड स्टार्ट हो गई है, 170 किलोमीटर के आसपास रहता है, जिसमें लगभग 2.5-3 घंटे लग ही जाने यार। और अगर 2.5 घंटे भी लगते हैं तो 4:30 का टाइम हुआ है, 7 बज जाएंगे, अंधेरा हो ही जाएगा। चलो देखते हैं जो भी होगा। लो भाई, अभी कोई गेस्ट हाउस या होटल देख रहे हैं, क्योंकि 7 बजे का टाइम हो चुका है और अंधेरा हो रहा है, थोड़े थके हुए हैं, तो सोच रहे हैं अगर सोना ही है और सुबह जाना ही है, तो यहीं पर कोई गेस्ट हाउस या होटल देख लेते हैं। लो जी, रात के 9 बजे का टाइम हुआ है और फाइनली हम पहुंच गए रूम पे। पीछे देख सकते हो अभी अंधेरा है, और ये हमने रूम लिया है। रूम कुछ ज़्यादा कॉस्टली तो है नहीं, 300 रुपये का रूम लिया है, और नीचे हिचके बिल्कुल खाना मिल गया था। खाना 120 रुपये की थाली थी, बहुत बढ़िया खाना था, जिसमें सब्जी थी, चावल थे, रोटी थी, और साथ में दूध ले लिया था। तो आज की इस वीडियो को यहीं पर ख़त्म करते हैं, उम्मीद करूँगा आप लोगों को पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें। अभी जोधपुर से 15-20 किलोमीटर पहले हैं, तो कल जोधपुर होते हुए सांभर लेके जाएंगे। तो मिलते हैं कल एक नई वीडियो के साथ। बाय बाय, गुड नाइट।